जहाँ तक भी जो है दूसरे लोग जो है जो गोश्त खाने वाले हैं, क्रिश्चियंस हैं, दलित हैं, वो कुर्बा वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, गौड़ा लोग जो है भी जो है बहुत सारे लोग खाते हैं जो अब आएंगे। जहाँ तक गायत्री की पाबंदी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से ही है और 1964 एक्ट के अंदर पहले से ही उसके अंदर प्रोहिबिशन है। और रहा सवाल बैल और बुलक का, बुल का ये जो है यही बात जो है हमें समझ में नहीं आ रहा है कि गाय के साथ इसके ऊपर पाबंदी क्यों। इंडियन मीडिया बुक के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और काउ स्लॉटर बिल जो 2020 का है वो पास हो चुका है, लॉ बन गया है। अब कर्नाटका में कोई भी कैटल को, किसी टाइप के कैटल को काटा नहीं जा सकता। सिर्फ जो भैंस है, बफोले है, 13 साल से ज़्यादा उम्र का, उसी को सिर्फ आप काट सकते हैं। बात ये, इसी से बात करने के लिए हमारे साथ कासिम साहब हैं और कासिम साहब तकरीबन 4 डीके से इसी काम में हैं, तो उनसे पूछते हैं ये लॉ पास होने के बाद क्या क्या परेशानी होगी। कासिम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन मीडिया बुक के स्टूडियो में आने के लिए। अब ये बताइए कि यहाँ से अब आगे आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहले मैं जो है आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने जो है हमारे कारोबार के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और मुझे बुलाया। मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हुए ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो इस कारोबार पर फ़र्क जो पड़ता है वो रैयतों के ज़रिए से पड़ता है, किसानों को फ़र्क पड़ता है। उसके बाद जो है कारोबार करने वाले गोश्त के, ये तो पूरे बेकार हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। जहाँ जब कैटल प्रिवेंशन आ गया तो कैटल पर बात आ गई तो वहाँ कुछ बचा ही नहीं है। अब बफलो 13 साल का कहाँ से लेकर आएंगे, जबकि कर्नाटका के अंदर इसकी जो है पैदाइश ही नहीं है। जबकि गवर्नमेंट खुद जो है, जो कर्नाटका स्टेट जो डेयरी फार्म्स हैं इसमें ही पूरा डेयरी फार्म्स क्लोज कर दिए हैं। अब रहा बफलो का, बफलो का समिन भी नहीं है, बफलो की ब्रीड ही नहीं है, तो कहाँ से लगा कर काटेंगे। अब बफलो लाने के लिए जो है दिल्ली से बफलो मंगाना पड़ेगा, महाराष्ट्र से बफलो मंगाना पड़ेगा, इतना बड़ा रिस्क कौन लेता है, इतना लॉन्ग डिस्टेंस में कौन लगा के खाता। लेकिन ये बताइए कि 13 साल का बफेलो ऐसे भी मार्केट में दिल्ली या मुंबई में भी नहीं मिलता है, क्योंकि जानवर जनरली बैल भी था तो लोग 5 साल 6 साल का जब हो जाता था खेत में काम करने पर कमजोर हो जाते थे तो फार्मर उसको बेच देते थे क्योंकि उनके काम का नहीं था। तो आज अगर बफेलो की भी बात करते हैं आप तो 13 साल का बफेलो मिलना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सिर्फ और सिर्फ जो है ये सताने के लिए, ये कम्युनिटी को जो है परेशान करने के लिए इस बिल को लाया गया है। जहाँ तक भी आप देखिए, पिछली नस्ल के लोग जो है वो ज़्यादातर लंबी उम्र तक जीते थे ताकि उनकी गुज़ारा वैसी थी। आज जो है पूरा केमिकल में उग रहा है, 6 महीने में उठने का फल जो है 3 महीने में उगा जा रहा है। सिर्फ पूरा केमिकल खा रहा है, जानवर को कौन सा नेचुरल गुज़ा खा रहा है बताइए आप, पूरा आर्टिफिशियल गुज़ा खा रहा है। तो उसकी उम्र कहाँ से 13 साल तक रहेगी, कहाँ तक वो जो है पूरा दूध देने के बाद जो है भैंस और बुलक तो नहीं है, मेल बेफलो खुलगा जिसे बोलते हैं, वो भी समिन देने के बाद 6 साल 7 साल के बाद उसकी उम्र खत्म हो जाती है। तो मोर और लेस अब ये कहिए कि ये जो कैटल का बीफ का बिजनेस था कर्नाटका में बंद है, तो अब आगे आप लोग क्या कर रहे हैं। आगे हम लोग जो है जुडिशरी का दरवाज़ा खटखटा है, कानूनी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, देखेंगे इसमें जो है कहाँ तक हमें रिलीफ मिलती है। जब तक तो हम पूरे के पूरे बेकार हो गए हैं। पूरे कर्नाटका के अंदर जो है 1 लाख फैमिलीज हैं जो हम बेरोज़गार होकर रह जाएंगे। अभी जो है कोविड का मामला ठंडा ही नहीं हुआ, फिर से ये जो है हमारे पेट पर डायरेक्टली हमारे पेट पर लात मारी गई है। पता नहीं इन लोगों को क्या सूझा है इसके बारे में। एक इंसानों की, इतने इंसानों की अहमियत नहीं है इनके पास, जानवरों के तहफ़ की इतनी अहमियत हो गई है। तो अब ये बताइए कि जो लॉ बना है इसमें पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा है, फाइन भी बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या अपने जो आपके लोग गोश्त का काम करते हैं उनको सजेशन क्या देंगे कि ऐसे कामों में रिस्क लेना चाहिए नहीं। क्योंकि देखिए ऐसा है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि लॉ बन गया है, जो दूर दराज गाँव में इस काम कारोबार को करते हैं, अगर उनके तक खबर नहीं पहुँचती है और कोई इस चीज़ को काट देता है तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो सजेशन क्या देना चाहेंगे कि इसको टोटली
फॉलो करो या रिस्क लेके अगर कोई काटता है तो उसको जेल हो जाएगी 7 साल की, तो क्या करें? इससे पहले भी जो है ये मरहला हमारे पर आ चुका है। पार्टीशन के बाद 1947 के बाद ये रोज़ी पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। 17 साल हमारे आबो अजदाद ने जो है इसके पीछे जद्दोजहद करके क़ानून का दरवाज़ा खटखटा के इसको जो है ऑर्डर्स लेकर आए, तभी जाकर पूरे स्लॉटर हाउसेस खुले, तभी जाकर जो है 1964 का एक्ट बना गया। ये हम लोग जो है फ्रीडम फाइटर्स के जैसे फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे हैं हम लोग। जहाँ तक सबको आज़ादी मिली 1947 में, सबसे पहले पाबंदी लगी इसी गोश्त के ऊपर, जो पूरा जद्दोजहद करके जो है हमारे आबो अजदाद ने इस काम को किया है। मैं हमारे लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है सब्र और तहमुल से सोच समझ कर, जैसे हमारे बड़े लोग जो काम किए थे उस काम को जो है हमें करना है। ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं रोज़ी जो है बंद ही कर देना, बंद करना है। किस वक्त के लिए बंद करना है उसकी एक मुद्दत है। जब तक हम दरवाज़ा खटखटाएं कानून का, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें उम्मीद है कि बहुत सारे चीज़ों में जो है हमें रिलीफ मिलेगी। जहाँ तक गायकी की पाबंदी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से ही है और 1964 एक्ट के अंदर पहले से ही उसके अंदर प्रोहिबिशन है। और रहा सवाल बैल और बुलक का, बुल का ये जो है ये यही बात जो है हमें समझ में नहीं आ रहा है कि गाय के साथ इसके ऊपर पाबंदी क्यों। तो मेन नाराजगी ये है कि आप गाय तो पहले भी 1964 के का जो लॉ था उसमें भी बंद था और आप लोग काटते भी नहीं, ठीक है। अब ये जो बैल की पाबंदी लगाई गई है वो क्यों लगाई गई, वो आप लोग को मेन प्रॉब्लम? हाँ वही, बैल और जो बुल है उसके ऊपर क्यों पाबंदी लगा रहे हैं? जो भी 1964 एक्ट के तहत हमारे जो है वाइस चीफ मिनिस्टर क्या हूँ वो बता रहे थे कि जो है उस वक्त पर 1964 का एक्ट जो है हम लोग जो है प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। दैट्स योर मिस्टेक, आपकी गलती है, आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। कहीं भी इलीगल हो रहा है तो लीगल को भी बंद कर देंगे आप। तो ये बताइए कादर ना कि पूरे कर्नाटका में कुछ आइडिया है कि जितने जो बैल लोग काटते थे कितना कट होता होगा पर डे? पर डे जो है मैंने सिर्फ बेंगलोर का डाटा कलेक्ट किया तो 75 टन्स पर डे। 75 टन, तो जो जनरली कहा जाता है कि ये जो पूरे बफेलो मतलब बीफ के जो कारोबार में सारे लोग मुस्लिम ही खाते हैं, तो क्या लगता है कि इतना जो ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। मैं पिछले बार भी बताया था कि मुसलमान जो है कुछ मुसलमान जो है बैल के गोश्त को छीते भी नहीं है। हाँ। उनके यहाँ जो है उसे घर में भी नहीं लेकर आते बहुत सारे मुस्लिम। जहाँ तक भी जो है दूसरे लोग जो है जो गोश्त खाने वाले हैं, क्रिश्चियंस हैं, दलित हैं, वो कुर्बा वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, गौड़ा लोग जो है भी जो है बहुत सारे लोग खाते हैं। जो अब आएंगे बाहर वो लोग, जब उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। देखिए एक शहर के अंदर 7 टन 8 टन माल अगर कोई चीज़ खाने की बंद हो जाए तो उसका रिएक्शन क्या होगा? इसके ऊपर सोचना चाहिए कि इनको ग़िज़ा, जब सस्ती ग़िज़ा, प्रोटीन वाली ग़िज़ा, जो क़ुव्वत देने वाली ग़िज़ा, एनर्जी देने वाली ग़िज़ा, सब में सस्ती, इसका ऑफल्स जो है आपको 50 रुपये किलो से लेकर 100 रुपये किलो तक का मिल जाता है। और उसका ऑफल्स, इसका विटामिन, इसका जो है लीवर का जो ये है न्यूट्रिशन, ये सब कहाँ पर मिलेगा? अगर इन लोगों को नहीं मिलेगा तो ये लोग भी सड़क पर आ जाएंगे। सिर्फ हमें ही नहीं, खाने वालों को भी फर्क पड़ेगा। तो अब ये कासिम साहब की लॉ बन गया है तो डेफिनेटली आप लोग अभी तो नहीं काम करेंगे, तो आप ये कह रहे हैं कि कानूनी का दरवाजा आपने खटखटाया, दरवाजा बिल्कुल, तो जब फैसला आएगा उस हिसाब से आप काम करेंगे? जी जी जी, जहां तक भी हमारा कोर्ट से जो रिलीफ मिलेगी हम उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो कासिम भाई ठीक है, देखते हैं कि कानून के तरफ से क्या क्या आप लोगों को राहत मिलती है और उसके हिसाब से आप काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।